दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जियो ने अपनी एक नई एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च कर दी है जियो फाइनेंस के नाम से, जिसपे कि मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूँ। एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि इसमें आप अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे, अपना बैंक अकाउंट किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से अपने वॉलेट को एक्टिवेट करेंगे, अपना यूपीआई किस तरह से क्रिएट करेंगे, और दूसरे वीडियो मैंने आपको यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का पूरा तरीका यहाँ पे बताया था। तो आज के वीडियो हम जानेंगे कि जियो फाइनेंस एप्लीकेशन की हेल्प से अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप अपना क्रेडिट स्कोर यहाँ से किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अगर आप भी बिल्कुल फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हैं जियो फाइनेंस एप्लीकेशन की हेल्प से, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको जियो फाइनेंस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अपने फोन में इंस्टॉल करना है, इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो अकाउंट क्रिएट करने पर मैं ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना चुका हूँ, उसको देखकर आप बहुत आसानी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अपना बैंक ऐड कर सकते हैं, अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जियो फाइनेंस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपनी जियो फाइनेंस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब जियो फाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो इनके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं, डेडिकेटेड वीडियो मेरा आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि आप अपना क्रेडिट स्कोर इसके माध्यम से बिल्कुल फ्री में किस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है गेट क्रेडिट स्कोर, आपको यहाँ पे चेक नाउ वाले बटन पर टैप करना है। जैसे चेक नाउ वाले बटन पर टैप करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाता है। अब नीचे बॉटम पे आपको गेट स्टार्टेड का बटन मिलेगा, आपको गेट स्टार्टेड पे टैप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ये नेम आपको वही देना है जो कि आपके पैन कार्ड पर है। तो चलिए मैं अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ जो कि मेरे पैन कार्ड पर है। पर आप देख सकते हैं मेरा अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे दिया अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग। नीचे आपको यहाँ पे आई एग्री पे टिक मार्क लगाना, प्रोसीड पे टैप करना है। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पे मेरा क्रेडिट स्कोर बता दिया, वेरी गुड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 752 यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं, वन टाइम पेमेंट वगैरह, क्रेडिट यूज, अगर आपने क्रेडिट कार्ड इश्यू कराया हुआ तो उसका यूज कितना क्या है, कितना परसेंट आप यूज कर चुके हैं, उसकी यहाँ पे डिटेल आप क्रेडिट कार्ड को ओपन करके यहाँ से उसकी डिटेल देख सकते हैं। लेकिन मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैं यहाँ से बैक ले लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिट एज वगैरह आप यहाँ पे अपनी चेक करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट एज आप अपनी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास किसी तरह के क्रेडिट मिक्स वगैरह की डिटेल आपको चाहिए तो यहाँ पर आप उसकी भी डिटेल वगैरह देख सकते हैं। कोई लोन वगैरह आपने यहाँ पे लिया हुआ है तो उसकी कितनी किस्त आपकी बाकी है, ये सारी डिटेल आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने पैन कार्ड आधार कार्ड के थ्रू अपनी केवाईसी कंप्लीट कराई हुई है, अपना जीरो बैलेंस अकाउंट भी यहाँ पे ओपन किया हुआ है, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट मेरे पहले से फिल है, इसलिए यहाँ पे मुझे सिर्फ अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना पड़ा। लेकिन आप जब इस ऑप्शन में आएंगे, अगर आपने अभी तक केवाईसी कंप्लीट नहीं किया तो आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी और उसके बाद आपको आपका क्रेडिट स्कोर इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, जियो फाइनेंस एप्लीकेशन की हेल्प से आप सिर्फ एक मिनट में बिल्कुल फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।